आप सब खैरियत से होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सो फ्रेंड्स, खुदा आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। सुबह हो गई है, रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं क्योंकि डायरेक्ट भाई वाले आ गए थे और मूवी देख रहे थे हम लोग हॉरर। तो अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, कावा पका है, आटा गूंदूंगी अभी मैं, और साथ में ऑमलेट बनाऊंगी। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा, और आज की वीडियो तो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आज तो बहुत सारे काम हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ और रूटीन अपनी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मेरे साथ ही रहना है, आपने फुल वॉच करनी है वीडियो, और कहीं जाइएगा मत। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आटा मैंने गूंद लिया है, पेड़े मैंने बना लिए हैं, पेड़े मैंने बना लिए हैं। अनाबिया रो रही है, क्या हुआ है ना, क्या हुआ है? फ्रेंड्स को हाय तो कर दो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता बन गया है और मैं खाना नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं हम लोग। ये है पराठा, ऑमलेट और चाय, और ये अम्बू है, ये रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। अम्बू अम्बू क्यों रो रही हो, व्हाई आर यू क्राइंग? ये बस कहती है कि मुझे फ़ोन में डिंग डोंग दिखाते रहो। डिंग डोंग मतलब पोएम, इसने डिंग डोंग पोएम का नाम रखा हुआ है डिंग डोंग। और इसके चोटू भी लगी है, आपको दिखाऊं? ये देखो अनाबिया की चोटी भी लगी है, दिखाओ फ्रेंड्स को, दिखा दूं फ्रेंड्स को दिखाऊं? ये देखो अनाब की चोटी भी लग गई है, कल अना खेल रही थी ना तो अना की चोटी लग गई थी। और ये अनाबिया के देखो, आपको मैं दिखाऊं, और भी चोटी लगी है, अना के पाँव में भी चोटी लगी है ना। दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, बैठ के दिखाओ कि मेरे हवा आई है। यहाँ पे ये वाली हवा दिखाओ, ये देखें आप, अन्ना का पाँव जल गया था, दिखाओ ना व्यूवर्स को, दिखाओ कि मेरे पाँव में हवा हो गई थी। हाँ, ये अन्ना की हवा आई थी, अन्ना रोई भी थी। बहुत सारी जगहों पर अन्ना की चोटी लगी है, चोट इसकी इसलिए बढ़ जाती है, ठीक नहीं होती जल्दी, क्योंकि ये छीलती रहती है अपनी चोटों को। पता नहीं इसमें कहाँ से आदत आ गई है कि चोट लगती है तो उसको छीलती रहती है। तो अभी हम बना रहे हैं अपने कमरे को थिएटर, खाना नाश्ते के टाइम पे हम देखेंगे मूवी हॉरर जो आधी रात को रह गई थी। तो अनाबिया भी कुछ कहना चाहती है, हेलो कर दो पहले। फ्रेंड्स, ये हमने कमरे को थिएटर बना लिया, ये एग्जॉस्ट मूवी देख रहे हैं हम लोग, हॉरर, हाँ कंज्यूरिंग टू, और इसमें भी हॉरर सीन आ रहे हैं। और साथ साथ हम नाश्ता भी कर रहे हैं, आपको दिखा देती हूँ। बस यही छोटी छोटी हम गरीबों की एंजॉयमेंट है। हाँ, और अनाबिया अपनी चोट छील रही है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब फैमिली, प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी हैं सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा भी बहुत सारा प्यार आप सब लोगों को, जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों, हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। हमारा नाश्ता तो अभी हो गया, ये देखिए अलिशमान ने अभी बर्तन वगैरह यहाँ पे रखे हैं, अभी काम करने लगी है, ये बर्तन वगैरह धोएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं थोड़ी देर पहले नाश्ता करने मूवी देख रहे थे, तो उसके बाद फिर अभी कपड़े धो रही है अलिशमा, उसके बाद खाना वाना है। ये देखें बेचारी ये बैठी हुई है, तो हाथ से धो रही है कपड़े। हाँ, मशीन खराब हो गई है। मशीन हमारे पास है पर काफ़ी टाइम से लेके ख़राब है। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए ना, हाँ ये है, अभी पता नहीं कौन सी कंपनी की है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है, हाँ डॉलेंस की है, पर ये ख़राब हुई हुई है। तो इसलिए ये कि हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हाथों को भी कभी कभी थोड़ी सी वो देनी चाहिए, तकलीफ एक्सरसाइज है। बहुत से लोग हैं बेचारे जो हाथों से धोते हैं, कोई बात नहीं, नहरों में जाके धोते हैं। ये देखो ये इधर आके बैठ गई हमारी अनाबिया। अनाबिया से हेलो, अम्बो से हेलो, हेलो से हेलो, हेलो ये हेलो भी करती है, समझदार है बहुत।
हमारे पास एक वो था ऑस्ट्रेलियन तोता, वो तो मर गया बेचारा, अकेला था वो, तो बेचारा फौत हो गया। वो और परिंदे लेने हैं, लेकिन ये है कि जब गुंजाइश होगी तो ले लेंगे। उस दिन हम लोग गए भी थे पर इरफान की वजह से हम लोगों ने नहीं, पर ले नहीं पाए। एक्चुअली हमारा जो है ना बजट बहुत, हमारी जो है, हम लोग सब लोग जो है जॉब करते हैं, मेरी अम्मी जॉब करती हैं, अब्बू जॉब करते हैं, मैं ख़ुद भी जॉब करता रहा हूँ, पर अभी जो है फ़िलहाल कुछ दिनों से जा नहीं रहा क्योंकि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ जॉब के लिए, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल जा नहीं रहा। ये है तो आज खाने में पता नहीं क्या पका रहे हैं। आलू बनाऊंगी, मम्मी कह रही थी माश की दाल लेकर आएंगी, वो जहाँ पर जॉब करती है ना वहाँ पर अच्छी मिलती है माश की दाल। ये कपड़े धो के फिर यहाँ पे, ये रस्सियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर सुखा देते हैं। ये हमारा मनी प्लांट लगा हुआ है, ये रहा अम्बो नापिया, ये नापिया से हेलो नापिया, इससे थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, काफ़ी समझती है। अनाबिया, अनाबिया, ए फॉर वेरी गुड, बी फॉर वेरी गुड, सी फॉर म्याऊ, म्याऊ मतलब कैट, ये अच्छा बोलती है। डी फॉर ये माशाल्लाह से अभी 1.5 साल की, लेकिन शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। डी फॉर डॉग, डॉग तो ऐसा ऐसा है। वैसे आप तो सोचते होंगे कि कहने को तो मशीन भी ख़राब है, कपड़े हाथ से धो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं दुबई जाऊंगा मैं, ये जाऊंगा। एक्चुअली ये है कि सारा जो है क्रेडिट मेरी अम्मी का है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है अपने जो है बॉस से जो है उधार वगैरह कुछ करके, टिकट वगैरह जो है क्रेडिट पे करके, कुछ इधर उधर से बंदोबस्त करके, दो तीन बार अम्मी ने बीसी डाली। अम्मी ने पिछले साल भी बोला था इरफान को कि दुबई चले जाओ, आपके होटल की जॉब खत्म हो गई थी ना, 1.5 साल का कोर्स। हाँ कोरोना आ गया था ना, कोविड 19। मम्मा ने बोला कि आप चले जाओ, इन्होंने बोला आप भी नहीं, फिर ये कहते हैं गाड़ियाँ वगैरह चला, मेरे पास हाँ मैंने जमा की थी, हाँ करीम वगैरह चला रहा था, उबर वगैरह, क्योंकि फ्लाइट वगैरह सारी बंद थी कोरोना की वजह से। तो अब जैसे ही खुली हैं तो फिर अब हम जाने का प्लान किया है, और अम्मी की जो अम्मी ने कमेटियाँ डाली थी उसके पैसे हैं, थोड़ा सा मम्मा ने सेविंग की हुई थी वो है, तो बस उससे ही अब होगा गुजर बसर। इरफान जाएंगे फिर वहाँ से, हमने ये भी प्लान किया हुआ इरफान जाएंगे तो फिर हम लोग घर भी चेंज करेंगे, बल्कि घर की सारी चीज़ें नहीं लेनी है क्योंकि सब चीज़ें बहुत ही ख़राब हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो सारा मसला सिर्फ इरफान को भेजने का, इरफान एक बार चले जाए तो फिर सब सुकून ही आ जाएंगे। अम्मी तो बस अभी इरफान को एक वैक्सीन लग गई है, तो अभी ये घर की सफाई हो रही है, काफ़ी कचरा हो गया है। रात को मूँगफलियाँ जो खाई हैं, रात को जो है वो पीनट्स खाए थे, मूँगफलियाँ, क्योंकि वो संडे था, हमने बोला चलो कोई मूवी वगैरह देख लें। अनाबिया तो ये बस कार्टून नहीं वॉचिंग करती रहती है, और ये खेल रही है, पता नहीं क्या हाथ में लेके बैठी है। मुझे कह रही कॉल के दो, इसको तोड़ के दो। आज तो गर्मी बहुत हो रही है, तो जब तक हम पंखे में बैठे रहते हैं हमें लगता है कि मौसम ठंडा है। अरे हाँ ये पेंटिंग देखें, अनाबिया की पेंटिंग है एक पिक्चर की, ये आप सब लोग बताइएगा कि कैसी है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पेंटिंग कैसी है, अनाबिया की बनाई है।
वहाँ पर स्केच आर्टिस्ट है ना, उनसे बनवाई थी। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, आज तो कमरा भी धुल रहा है। हफ्ता सफाई मनाई जा रही है। कपड़े भी धो लिए हैं, ये देखें कपड़े भी धो लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं खाना बनाते हैं, क्या बनाना है। आप भी इधर बैठी है, पानी दे दूं? पानी दे दूं। सारा काम हो गया है, कमरा भी धो दिया है, सेट भी कर लिया है, कपड़े भी धो लिए हैं, सब कुछ सही हो गया है। बस अब जो रहता है मेरा काम वो है सिर्फ बर्तन धोना। बर्तन पड़े हैं थोड़े से, वो मैं धोऊंगी। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है एंड। अब हम थोड़ी रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद शाम की जो शाम के लिए बनाना है, आलू और वो ये वो जो मम्मा कह रही थी कि माश की दाल वगैरह बुलाएंगी, तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना भूल ही नहीं क्योंकि इतने दिनों बाद बहन के घर गए थे तो फ़ोन तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, उनको वीडियो दिखा रही थी कोई वो, तो इस वजह से। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, कीप वॉचिंग।